बीएससी थर्ड ईयर का चैप्टर है कार्प धात्विक यौगिक ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स। फर्स्ट है प्रस्तावना इंट्रोडक्शन। कार्बन और मेटल के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड होना चाहिए और कार्बन जिस मेटल से जुड़ा है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.5 से लेस होना चाहिए। रॉबर्ट बुनसेन ने 1842 में टेट्रा मैथिल डाई आर्सेनिक की प्रथम कार्ब धात्विक यौगिक के रूप में पहचान की, यद्यपि इससे पूर्व प्लेटिनम का कार्ब धात्विक यौगिक जिसेश लवण ये संकुल की संरचना दी हुई है, नाम है पोटेशियम ट्राइक्लोरो इथाइलिन प्लेटिनेट सेकंड जल, सन 1825 में बनाया गया था, परंतु तब से ही इसे अधिक महत्व नहीं दिया गया। एडवर्ड फ्रैंकलिन ने जिंक के कार्ब धात्विक यौगिकों के साथ टिन कोमा लेड कोमा कैडमियम कोमा मरकरी आदि के कार्ब धात्विक यौगिकों का क्रमबद्ध अध्ययन किया। इसके कुछ दशकों पश्चात ग्रिग्नार अभिकर्मक की खोज हुई जिसके द्वारा अन्य कार्बनिक यौगिकों का निर्माण संभव हो सका। सन 1951 से पूर्व मुख्य वर्ग के तत्वों के ही कार्ब धात्विक यौगिकों की खोज हुई थी, परंतु इसके पश्चात संक्रमण तत्वों तथा आंतर संक्रमण तत्वों के कार्ब धात्विक यौगिकों का निर्माण किया गया। वर्तमान में लगभग सभी धातुओं के कार्ब धात्विक यौगिकों का संश्लेषण किया जा चुका है। कार्ब धात्विक यौगिक की डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। प्राचीन अवधारणा के अनुसार वे यौगिक जिनमें कार्बनिक समूह धातु परमाणु से जुड़ा हो कार्ब धात्विक यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण दिया हुआ टेट्रा एथिल लेड। अब जो लेड है उसकी विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से कम है। एल्कोक्साइड में यद्यपि कार्बनिक समूह धातु परमाणु से जुड़ा हुआ होता है, परंतु ये कार्ब धात्विक यौगिक नहीं होते। उदाहरण एल्यूमिनियम ट्राइएथोक्साइड में एल्यूमिनियम परमाणु ऑक्सीजन परमाणु के साथ जुड़ा है, न कि कार्बन परमाणु के साथ। अतः वे यौगिक जिनमें धातु कार्बन बंध हो कार्ब धात्विक यौगिक कहलाते हैं। ये धातु कार्बन बंध सहसंयोजक टेट्राएथाइलेड आयनिक सोडियम इथाइल अथवा पाई इलेक्ट्रॉन बंध बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन सेकंड प्रकार का हो सकता है। कुछ अधातु जैसे बोरोन सिलिकॉन आदि के भी कार्बनिक समूहों के साथ बनने वाले यौगिक भी कार्ब धात्विक यौगिकों के समान गुण प्रदर्शित करते हैं। इसके अतिरिक्त धातु कार्बोनिल भी विशिष्ट गुणों वाले कार्ब धात्विक यौगिक होते हैं। अतः उपरोक्त विवेचना के अनुसार कार्ब धात्विक यौगिकों की परिभाषा निम्न प्रकार है। ये विशिष्ट गुणों वाले यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु कम विद्युत ऋणी अथवा विद्युत धनी हाइड्रोजन के अतिरिक्त परमाणुओं से सीधा जुड़ा हो कार्ब धात्विक यौगिक कहलाते हैं। इस वर्ग में धात्विक साइनाइड एवं धात्विक कार्बोनेट को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि इनमें कार्ब धात्विक यौगिकों के विशिष्ट गुणों का अभाव होता है। कार्ब धात्विक यौगिकों का नामकरण नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। कार्ब धात्विक यौगिकों के नामकरण के निम्नलिखित नियम हैं। फर्स्ट है कार्ब धात्विक यौगिकों के नामकरण में पहले कार्बनिक समूह तथा फिर धातु का नाम लिखा जाता है, जैसे एथिल लिथियम फेनिल लिथियम। एक से अधिक समान एल्किल अथवा एरिल समूह उपस्थित होने पर उनके नाम के पूर्व लगन के रूप में डाई ट्राई आदि लगाते हैं। डाई एथिल जिंक ट्राई मैथिल एल्युमिनियम
डाइफेनिल मरकरी। एक से अधिक भिन्न भिन्न एल्किल अथवा एरिल समूह होने पर उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखते हैं, जैसे एथिल मैथिल मैग्नीशियम। एथिल ई से स्टार्ट हो रहा है, मैथिल एम से, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में कौन पहने आता है, ई। ऐसे कार्ब धात्विक यौगिक जिनमें कार्बनिक समूह तथा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, उनके नामकरण हेतु कार्बनिक समूह को हाइड्राइडों के साथ वर्णमाला के क्रम में धातु के नाम से पूर्व लिखा जाता है। एथिल हाइड्राइड, मैथिल एंटीमनी। डाइहाइड्राइडो मैथिल आर्सेनिक, एथिल हाइड्राइडो फेनिल गोल्ड। नेक्स्ट रूल है, इसके अतिरिक्त त्रिसंयोजी फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ चतु संयोजी सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड को क्रमशः फॉस्फिन आर्सिन स्टिबिन बिस्मिथिन साइलेन जर्मन एस्टेनिन प्लम्बिन के रूप में व्यक्त करते हैं। टेट्रामेथिलसिलिन ट्राइएथिल ऑर्सिन ट्राइफेनिल फॉस्फिन। हाइड्रोकार्बन एल्किल अथवा एरिल समूह में प्रतिस्थापन होने पर सामान्य नियम काम में लेते हैं, 20-2-4-6 ट्राइक्लोरोफेनिल मैग्नीशियम, 20-2-4-6 ट्राइक्लोरोफेनिल मैग्नीशियम। कार्बोनिल यौगिकों के नामकरण के लिए पहले धातु का नाम लिखते हैं, फिर कार्बोनिल समूह की संख्या लिखते हुए कार्बोनिल शब्द लिखा जाता है। निकिल टेट्रा कार्बोनिल, आयरन पेंटा कार्बोनिल। मिश्रित कार्ब धात्विक यौगिकों में पहले कार्बनिक समूह फिर धातु तथा अंत में अकार्बनिक समूह का नाम लिखते हैं। कार्बनिक समूह तथा धातु का नाम एक ही शब्द में, जबकि अधातु का नाम अलग शब्द में लिखते हैं। मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, डाई मैथिल टिन डाई क्लोराइड। यदि कार्ब धात्विक यौगिक रासायनिक एंटिटी हो तो धातु के लैटिन नाम के अंत में एट जोड़कर ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ट्राई मैथिल जिंकेट सेकेंड, कार्ब धात्विक संकुलों के नाम सामान्य नियमानुसार करते हैं। कार्ब धात्विक यौगिकों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। कार्ब धात्विक यौगिकों का वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया जाता है, इनमें से प्रमुख निम्न है, धातु कार्बन बंध की प्रकृति के आधार पर। कार्ब धात्विक यौगिकों की परिभाषा, इनमें कार्बन परमाणु अपेक्षाकृत कम विद्युत ऋणी परमाणु द्वारा जुड़ा रहता है, अतः इन यौगिकों में धातु कार्बन बंध की प्रकृति ध्रुवीय होती है। पॉलिंग के अनुसार सोडियम कार्बन में 47%, लिथियम कार्बन 43%, मैग्नीशियम कार्बन 34%, एल्यूमिनियम कार्बन 22%, सिलिकॉन कार्बन 12% तथा आर्सेनिक कार्बन में 6% आयनी लक्षण पाए जाते हैं। धातु कार्बन बंध की प्रकृति के आधार पर कार्ब धात्विक यौगिकों को निम्न तीन वर्गों में बांटा गया है, आयनिक कार्ब धात्विक यौगिक, आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। वे धातु जिनकी विद्युत ऋणता अत्यंत कम 1.2 से कम होती हैं, कार्बन विद्युत ऋणात्मकता 2.5 के साथ मिलकर आयनिक बंध बनाते हैं, अतः सारे धातुएं आयनिक कार्ब धात्विक यौगिकों का निर्माण करती हैं। इन यौगिकों में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं, ये रंगीन ठोस होते हैं जो जल तथा ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं, जबकि हाइड्रोकार्बन विलायकों में अविलय होते हैं। आयनिक धातु कार्बन बंध की प्रकृति के आधार पर कार्ब धात्विक यौगिकों को निम्न तीन वर्गों में बांटा गया है, आयनिक कार्ब धात्विक यौगिक, वे धातु जिनकी विद्युत ऋणात्मकता अत्यंत कम यानी 1.2 से कम होती है, कार्बन के साथ मिलकर आयनिक बंध बनाते हैं, सार धातुएं आयनिक कार्ब धात्विक यौगिक का निर्माण करती हैं। इन यौगिकों में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं, फर्स्ट है ये रंगीन टॉस होते हैं जो जल तथा ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं, जबकि हाइड्रोकार्बन विलायकों में अविलय होते हैं। सेकंड है,
ये विद्युत अपघट्य होते हैं, अर्थात विद्युत अपघटन करने पर कार्बनिक मूलक एनोड पर तथा धातु कैथोड पर मुक्त होते हैं। उदाहरण जैसे दिया हुआ है सोडियम एथिल सोडियम, तो ब्रेक करा तो इथाइल और सोडियम प्लस, और तो एनोड पर कैथोड पर ये विलायक संकरित आयन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट जुड़ंध्र में ये आयनिक यौगिकों के समान उप उपगठन डबल डी कंपोजिशन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं।